हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि एचएएल का आईपीओ सब्सक्राइब करने लायक है कि नहीं, अगर है तो इससे हम क्या आशा रख सकते हैं आने वाले 5-10 साल की और इवन ओपनिंग प्राइस की, राइट। चलिए फ्रेंड्स, ये जो आईपीओ आया है ये 16 मार्च को ओपन होगा और 20 मार्च को क्लोज होगा। इशू का प्राइस है 4200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। प्राइस बैंड है 1215 से 1240, राइट। लिस्टिंग होगा ये दोनों में, बीएससी एंड एनएससी। 12 इक्विटी शेयर्स मिनिमम लॉट साइज है, यानी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट एक आईपीओ के लिए रहेगा 14,880 रुपीज, करेक्ट। ओके चलिए, समथिंग अबाउट इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री जो है इंडिया की, तो डिफेंस में इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एंड इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट स्पेंडर इन डिफेंस, राइट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री वाला कंट्री है और डिफेंस में खर्च करने में भारत सिक्स्थ लार्जेस्ट है। 60% ऑफ इंडियाज डिफेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट आर करंटली मेट थ्रू इम्पोर्ट्स, राइट। अब इतना बड़ा हमारा कॉस्ट है फिर भी 60% तो अभी भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो यानी लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 40% अभी होता है। द यूनियन बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 17-18 हैज एलोकेटेड 262 करोड़ फॉर डिफेंस, राइट, जिसमें पेंशन इंक्लूड नहीं है। तो 262 करोड़ प्रॉपर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर सिविल एविएशन क्षेत्र हम भारत का देखें तो इंडियन सिविल एविएशन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट बाय 2020 एंड इट विल बी लार्जेस्ट बाय 2030, राइट। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फिगर्स कि इंडियन सिविल एविएशन 2030 में इट वुड बी द लार्जेस्ट। प्रेजेंटली इंडिया इज वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 12.39% CAGR सिंस 2006 to 2017, राइट। जैसा आप देख पा रहे हो पिछले 10 साल से 12% का पैसेंजर ट्रैफिक में ग्रोथ है, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सिविल एविएशन के लिए भारत में। ये तो पैसेंजर ट्रैफिक था, अब 30% ऑफ टोटल ट्रेड इज अंडरटेकन बाय एयरवेज फ्रेट ट्रेड। So growth in import and export could be a key driver, right? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो बिजनेस है, अगर HAL को हम लोग देखें तो ये नवरत्न कंपनी है एंड लार्जेस्ट DPSU एंड 39th लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड एरोस्पेस कंपनी। They are engaged in design, development, manufacture, repair, overhaul, upgrade and servicing aircrafts, helicopters, aero engines, avionics, accessories and aerospace structure. Sustained track record of profitability and dividend since 4 decades, right? मेरे ख्याल से भारत में बहुत ही कम ऐसी कंपनी होगी जिनके पास इतना बड़ा 4 decade का प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड होगा। सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग फॉर HAL व्हिच वी शुड कंसीडर फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। देयर ऑपरेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 complexes इंक्लूडिंग 20 प्रोडक्शन डिवीजन एंड 11 R&D सेंटर्स। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो 5 complexes में पूरा इनका बिजनेस विभाजित किया जाता है। डिजाइन कॉम्प्लेक्स, बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, एसेसरीज कॉम्प्लेक्स, MIG कॉम्प्लेक्स एंड हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट, जिसमें 20 प्रोडक्शन डिवीजन है और 11 R&D सेंटर्स है। स्ट्रेंथ HAL की जो है दैट इज लॉन्ग क्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज। Established track record in offering product life cycle support extending to periods beyond 4 decades. Strong design and development capabilities, leadership position in the Indian aeronautical industry and strong government of India support.
They are having diversified product portfolio, strong financial track record, and experienced management team and operating team are some of the strength for HAL, right? इनका हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर चेक करें, सी 2015 टू 2017 का ये डेटा हमारे सामने है. करंटली पिछले 3 साल में कंपनी ने, देखो 2015 में ये ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का टर्नओवर करते थे. टुडे दे आर डूइंग अराउंड 18,000 करोड़ टर्नओवर एंड प्रॉफिट. 3 years बैक दे वर डूइंग अराउंड 1,000 करोड़ प्रॉफिट. टुडे दे आर डूइंग 2,600 करोड़ प्रॉफिट. So as we can see, HAL is almost a debt-free company, right? This is also a very good point to consider for investment. First thing is growth. इनकी इंडस्ट्री जो है, डिफेंस हो या सिविल एविएशन इंडस्ट्री, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है. डेब्ट फ्री कंपनी है HAL, राइट? HAL का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े हैं 3 साल के, उसके हिसाब से तो 4% यानी 4% का रेवेन्यू ग्रोथ है और 38% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट इयर्स का. ईपीएस 73 का है इनका पिछले साल का. तो अगर हम 73 के ईपीएस को कंसिडर करें तो 1240 रुपीज में हमें ऑफर किया जा रहा है शेयर. 1240 डिवाइड बाय 73, दैट इज 16.9 इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो 16.9 इज नॉट अ वेरी हाई प्राइस. 16.9 यानी इन्होंने हमें एवरेज पी पे ये बाय करने का मौका दिया है. महंगा नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखो तो अभी तक 21 का आरओएन है. मींस ऑलरेडी कंपनी इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ. वी शुड एक्सपेक्ट अवर ओन मनी टू इंक्रीज बाय दिस ग्रोथ. एक्सपेक्ट क्या करेंगे, फ्यूचर एस्टिमेट दोस्तों क्या रख सकते हैं. देखिए 15, 16, 17 हमने जैसा देखा 2017 ऑलमोस्ट 19,600 करोड़ का इनका टर्नओवर है. 4% का ग्रोथ है. हम इस साल का टर्नओवर 20,000 का एक्सपेक्ट करेंगे और अगर सिर्फ ये 4% से इनका रेवेन्यू बढ़ता गया देन वी शुड एक्सपेक्ट अराउंड 28,000 करोड़ इन 2025. दे आर करंटली डूइंग 26-25 करोड़ प्रॉफिट. सो ऑलरेडी गुड प्रॉफिट. सी इन 2015 दे वर मेकिंग, जस्ट मिनिट, यस ड्यूरिंग 2015 दे वर हैविंग अराउंड 1,000 करोड़. राइट नाउ मीन्स 2016-17 ईयर दे डिड 26-25 करोड़. सो 38% का इंक्रीज ऑलरेडी हमने देखा है. हम अगर 15% का प्रॉफिट का ग्रो इनका ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, राइट, कि अगर 15% से भी कंपनी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को ग्रोथ कर पाती है तो 2025 में यही HAL हम आशा रख सकते हैं कि अराउंड 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी, राइट? 8,000 करोड़ का प्रॉफिट यानी आप जस्ट अंदाजा लगाइए, 2600 करोड़ के हिसाब से उनका 73 का ईपीएस है, 8,000 के हिसाब से कंपनी का ईपीएस हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इन 2025 223 रुपीज का. तो कंसिडरिंग 223 रुपीज ईपीएस, योर टारगेट ऑफ 2025 शुड बी इन द रेंज ऑफ 33-45 टू 55-75. आप अगर एवरेज प्राइस भी देखो तो 44-60 शुड बी योर टारगेट ऑफ 2025, राइट? ग्रोथ इसलिए एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने ग्रोथ पिछले 4 डिकेड से दिया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप खरीदोगे कंपनी के शेयर होल्डर चेंज हुए और कंपनी ग्रोथ में से डीग्रोथ में आ गई, राइट? ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है. If company has proved their track record of growth since last 4 decades, we should expect that they will give good growth in coming years, right? See, as you can see, 1240 is their issue price, 17 का PE है. Expect करना चाहिए 15 से 25 का PE हमें range. उसके मुताबिक 17, 18 जो कि अभी खत्म होने आया है, हम लोग आखिरी महीने में है, मार्च महीने में 2018 के, तो इस साल भी हमें 2100 रुपए का टारगेट लेके चलना चाहिए, राइट? पर अभी 15 दिन में क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए अभी हम 2018-19 को अगर देखें तो 2018-19 का हमारा बाई प्राइस होना चाहिए 1450 और टारगेट रहना चाहिए हमारा अगले साल का 2413 रुपया, राइट? ऑलरेडी इश्यू प्राइस महंगी नहीं है. वी कैन बाय एट दिस प्राइस एंड अवर टारगेट शुड बी 4460, राइट?
ये 4460 का टारगेट तो ही नहीं आएगा अगर कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी 15% के हिसाब से, राइट? तो वैसे भी हमें वही कंपनी में बाय रहना चाहिए जो कंपनी 15% का ग्रोथ दे पाती है, राइट? यहां पे हमने देखा पास्ट रेवेन्यू सीएजीआर इज 4% एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 38%. सो वी शुड बाय इट नियर 1450 नेक्स्ट ईयर एंड शॉर्ट टर्म टारगेट इज 2100 दिस ईयर. 2025 टारगेट शुड बी 4460, राइट? दिस बाइंग प्राइस एंड टारगेट प्राइस आर बेस्ड ऑन 15% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट? व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट ग्रोथ और इनकी स्ट्रेटेजी क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की? एक्सपांड अवर ऑपरेशन थ्रू पार्टनरशिप्स और कोलेबोरेशन. जैसा अभी हम सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अभी आमंत्रित किए जाते हैं, वो भी इन्वाइटेड है, और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुली है. तो फॉरेन की जो भी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे आ रही है तो वो इंडियन कंपनीज के साथ कोलेबोरेशन करने के बाद वो लोग लॉन्च हो रही है. सो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन. डाइवर्सिफाई थ्रू एक्सपांशन इन न्यू ग्रोथ एरियाज. जैसा अभी भी ये लोग 28 कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. डाइवर्सिफाई फर्दर इनटू द सिविल एयरक्राफ्ट. दिस शुड बी अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फ्रेंड्स. सिविल एयरक्राफ्ट का जो बिजनेस जो इंडिया में ऑलरेडी ग्रोइंग है, यहां पर भी ये लोग डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी सिविल एयरक्राफ्ट में कुछ उन्होंने एक प्लेन लॉन्च भी किया है. सो डाइवर्सिफाई फर्दर इंटू सिविल एयरक्राफ्ट सेगमेंट फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग अपॉर्चुनिटीज. Develop in-house capabilities to design and develop specialized product including aero engines. Leverage existing cost advantage. Right? They are already having a good cost advantage due to manufacturing in India. Right? Developing human capital, enhancing customer satisfaction and optimizing operations towards becoming a lead integrator to of aircraft platforms. राइट? हम अगर ऐसी ही और एक कंपनी देखें जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. देखिए पूरे पूरा बिजनेस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इन दोनों का सेम नहीं है, ये हम मानते हैं, पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो इन डिफेंस. अगर हमने बीईएल का पास्ट देखा हो तो ड्यूरिंग 2000 वो लोग 1715 करोड़ का टर्नओवर करते थे और आज वो लोग 9200 का करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी कर रहे हैं. तो ये लोगों ने भी 10% का ग्रोथ तो देखा है पिछले 17 साल में. अब BEL का प्रॉफिट भी देखो. सी इन 2000 दे वर मेकिंग 146 करोड़ प्रॉफिट, टुडे दे आर मेकिंग 1500 करोड़ प्रॉफिट. सो 15% का तो ग्रोथ है BEL का. दिस इज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 17 इयर्स. और इसी वजह से दोस्तों कंपनी का प्राइस जो है वो भी आप देखो, 2 रुपए का प्राइस था 2000 में, 2010 में 67 एंड 2017 में 150. यानी सालाना 29 के CAGR से हमारा पैसा BEL में बढ़ा है. अब क्यों बढ़ा है? जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन अस अ गुड ग्रोथ. फ्रेंड सेम ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस HAL कंपनी, राइट? जस्ट एज BEL फ्रॉम सेम सेगमेंट हैज परफॉर्मड एंड गिवन 29% CAGR ड्यूरिंग लास्ट 17 इयर्स जस्ट ड्यू टू इट्स प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 15%. Same thing we are expecting. So what to expect? We should apply for the IPO with short term as well as long term view. We should apply for the IPO with short term as well as long term wealth creation view. मेरे हिसाब से ऐसी growing company में wealth create की जा सकती है. Debt भी बिल्कुल नहीं है. So that is also a very good point. This year target should be 2100. Buying price should be at 1260 next year and 1260 this year and 1448 buying price next year. Our target for 2025 should be 4460 as per 15% earning growth. So rating should be apply for IPO and can buy for long term wealth creation. Right friends? Disclaimer, do not apply for IPO before consulting your advisor as writer may have position in given issue. Right? अपने advisor से आप बातचीत कर लीजिएगा. अगर आप इसी तरह से जो भी IPO launch हो रहे हैं वो IPO की डिटेल चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को. या ये चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अलग अलग IPO की डिटेल रेगुलर बेस पे अपडेट होती जाएगी. राइट? मैं आप लोगों की कमेंट इच्छूंगा. नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा
कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, राइट? सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी बाय प्रॉफिट फ्रॉम इट. थैंक्स अ लॉट.